बोलने वाले हैं, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, खासतौर से तहमत लपेटकर, टोपी लगाकर और 4 इंच की दाढ़ी में खुजलाकर बोलने वालों में पाकिस्तानी अव्वल माने जाते हैं। यदि इस मुल्क में ऐसी बकलोली नहीं होती तो अब से 1 बरस पहले यहां की जनता बेमतलब में गधैया नर्तन नहीं करती। इमरान खान जैसे लोंडे इस विद्या से परिचित थे, इसलिए उन्होंने बकलोली का फायदा उठाया और वजीर आजम बन गए। अब वही लोग जिन्होंने गधैया नर्तक किया था सड़कों पर निकल रहे हैं, उसी इमरान खान को सबक सिखाने के लिए जिसने ने बताया था कि बिना दाढ़ी वाला व्यक्ति भी उनसे अच्छा बोल सकता है। शायद इसे कहते हैं बोल के ढोल, यानी जिनके बोल से ढोल बजे थे और इतने बजे थे कि इमरान खान को कहना पड़ा बस और नहीं, वरना घबराहट बढ़ सकती है। इमरान खान ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं लोगों को वजीर बनाया है जो बकलोली में महारत रखते हैं। फवाद चौधरी से लेकर फिरदौस आसिक अवान से लेकर सामे महमूद कुरैशी, शेख रशीद और अब एक नया जमूरा और प्रकाश में आ गया है, मतलब अली अमीन गंडापुर। यह झाड़ू छाप कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री है। कल ये आपे से इतना बार हो गए कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो देश कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की जगह भारत का समर्थन कर रहे हैं उन देशों पर भी गंजी गजनवी छोड़ी जाएगी। यह एक अलग तरह की बकलोली है, क्योंकि इस बकलोल को ध्यान नहीं है कि मुस्लिम देशों के अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों ने भारत को इस मुद्दे पर समर्थन दिया है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और कुवैत भी हैं। शायद इतना भी ज्ञान नहीं है कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान ने भी भारत को अपना समर्थन दिया है। पर कहते हैं जिनके घर में छाछ हो वहां गेहूं मिलने की गारंटी नहीं होती। वैसे भी पाकिस्तान का जनाना तबका अभी भी पाकिस्तानी चकले पर गुथे आटे की बाट जो रहा है। पर मामला यहां तक नहीं है, पिछले 2 दिनों से कारोबारियों द्वारा की गई हड़ताल से पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ठीकरे में तब्दील कर दिया गया है। इन 2 दिनों में पाकिस्तान को 4 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। दुकानों से लेकर फैक्ट्रियां बंद है, दुकानों के शटरों पर ताले पड़े हैं और इमरान सरकार को खाने के लाले पड़े हैं। असली गजनवी तो खुद इनके ऊपर ही गिर पड़ी है। रही सही कसर पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने निकाल दी है। इस रिपोर्ट में बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। पाकिस्तान पर जून 2019 तक 57 अरब 50 करोड़ डॉलर का भारी भरकम विदेशी कर्ज हो चुका है। आज बात यह है कि पिछले साल यह कर्ज 35 अरब डॉलर था, यानी तब्दीले खान के आने के बाद पाकिस्तान ने एक साल के भीतर 22 अरब 50 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया है। इसके अलावा 6 अरब 32 करोड़ डॉलर का कर्ज बॉन्ड से हासिल किया गया है। 9 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से लेकर खा चुके हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अली अमीन गंडापुर बिना ईंधन की गजनवी को कैसे चलाएंगे? फिर अगर किसी तरह चला भी दी गई तो उसके वापस इस्लामाबाद लौटने की संभावनाएं भी ज्यादा है, क्योंकि कर्ज देने वाले मुल्क सूद की पर्ची गजनवी पर बांधकर वापस भेज सकते हैं, यानी बकलोली करने से तहमत के लाल रंग हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। इमरान खान अपनी बकलोली के कारण ही आज इस्लामाबाद में रोजे रख रहे हैं। उन्होंने 2014 से अब तक जितनी बकलोली की है, पाकिस्तान की मदरसा छाप जनता अब उसका सिरा इमरान की तशरीफ से खींचने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुकी है। नवाजा का जनाजा भी इमरान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। यूं भी पाकिस्तानी अवाम समझ गया है कि इमरान एंड कंपनी ने जो पतंगे उड़ाई थी वह सब कच्चे सूत से बंधी हुई थी। अब गंडापुर की बकलोली भी नया फंडा क्रिएट नहीं कर सकती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक साल के भीतर जो 22 अरब 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया उसका हिसाब दीजिए, पाकिस्तान में उसे किस तब्दीली पर खर्च किया गया? अंडे, मुर्गी और भैंसे तक बिक गई। 50 लाख घर बनाने की बजाय 1,70,000 घर और दुकानें जमी दोज कर दी गई। क्या यही सब तब्दीली थी? मतलब पाकिस्तान को तबेला बनाकर अब इमरान बोल रहा है घबराना नहीं। पाकिस्तान की 38% आबादी घबराहट के कारण डिप्रेशन का शिकार है। पिछले साल यही आंकड़ा 22% था। वैसे भी जब जब इमरान बोलता है कि घबराना नहीं, अगले दिन ही यह आंकड़ा 0.5% आगे बढ़ जाता है।
मंत्री गंडापुर को गजनवी छोड़ने से पहले इमरान से पूछना चाहिए कि पाकिस्तानी आवाम को घबराना नहीं कहने की जरूरत होगी या नहीं। पर फिलहाल तो इमरान खान खुद घबराहट में है क्योंकि फजलुर आ रहा है, मदरसे के जिहादी ला रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।